एक जेल में दो कैदी रहते थे। उनका काम तो उस जेल में खाना पकाना है। उनका नाम था कन्ना और मुन्ना। वे दोनों जेल से भागने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे। एक दिन हर रोज आने वाला ट्रक सब्जी, दूध और कुछ सामान के साथ जेल में आया। तब वे दोनों यही एक मौका है समझकर ट्रक में दो खाली ड्रम्स में छुप गए। बाद में वो ट्रक जेल से बाहर आ गया। एक जगह पर दोनों उस ट्रक से उतरकर गांव में पहुंचे। उधर देखा तो एक नदी के किनारे पर कई तरीके के खाने का गाड़ी और बच्चों का गाड़ी दिखाई दिए। तब कन्ना, अरे हमारे लिए पुलिस लोग ढूंढते हुए इस गांव में भी जरूर आएंगे, इसलिए हम दोनों वेश बदल कर यही इस नदी के किनारे पर कुछ तो व्यापार करेंगे। कहा। तब मुन्ना, व्यापार करेंगे? हमें तो चोरी करने के अलावा और कुछ व्यापार तो नहीं पता है। कौन सा व्यापार है वो? पूछा। तब कन्ना, वो भी चोरी से जुड़ा हुआ व्यापार है रे। कहा। तब मुन्ना, चोरी से जुड़ा हुआ व्यापार है? क्या है वो, थोड़ा समझ में आए जैसे बोलो रे। कहा। तब कन्ना, लाइव फिशिंग कैचिंग एंड कुकिंग, एक मछली का स्टॉल लगाकर तभी के तभी ग्राहक पूछने वाले मछली को उनके सामने ही पकड़कर उसे अच्छे से फ्राई बनाकर उनको देना है। कहा। तब मुन्ना, आइडिया तो ठीक है, लेकिन तभी के तभी मछलियाँ पकड़ना ही एक बड़ी बात है, और उसमें वे जो पूछते हैं वही मछली कैसे मिलेंगे, ये तो नहीं चलने वाला है भाई। कहा। तब कन्ना, डेर दिमाग कहीं का, हम कई तरीके के मछलियाँ पहले से ही पकड़ कर रखेंगे। तुम पानी में किसी को भी पता चले बिना ऑक्सीजन सिलेंडर को लगा कर रहेगा। मैं जाल डालकर कौन सा मछली पकड़ना है जोर से चिल्लाता हूँ, तुम नीचे से मछली को जाल में रखोगे, बस मैं उसे ऊपर खींच कर उसे पकड़ा जैसे उनको खिलाता हूँ। कैसा है मेरा आइडिया? कहा। तब मुन्ना, अरे वाह बहुत बढ़िया है, अगर तुम इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो 5 मिनटों में इस देश को बेच दोगे। क्या अकल है तुम्हारा, अब क्यों देरी करना, चलो शुरू करते हैं। कहा। ऐसे वे दोनों बेश बदले। बाद में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क खरीदे। बाद में एक थैली भर के मछलियां खरीदे। ऐसे खाना पकाने का चीजों के साथ उधर आए। मुन्ना ऑक्सीजन सिलेंडर को लटकाकर मछलियों को एक थैली में पकड़कर पानी में कूदा और पानी के अंदर जाल के लिए इंतजार करने लगा। किनारे पर मछलियां पकाने का सेटअप करके उधर कन्ना एक बोर्ड लटकाया, उस पर लाइव फिशिंग कुकिंग कहकर लिखा हुआ था। तब कन्ना, आइए बाबू, आइए आइए माँ जी, आइए, लाइव में आपके सामने ही आपको जो चाहिए वो मछली पकड़कर आपको जैसा पसंद है वैसा आपके आंखों के सामने ही पका कर खिलाता हूँ। आइए बाबू, आइए आइए अम्मा, आइए, कहकर पुकारने लगा। तब एक आदमी उधर आया। वो आदमी, मुझे हिल्सा फिश फ्राई चाहिए, कितना होता है? पूछा। तब कन्ना, हिल्सा फिश फ्राई 1 किलो 1000 रुपए होता है। कहा। तब वो आदमी, क्या 1000 रुपए होता है? इतना दाम तो रेस्टोरेंट में भी नहीं होता है ना। कहा। तब कन्ना, सर ये तो लाइव है सर, लाइव आपके सामने ही ताजे से पकड़कर फ्राई करके देता हूँ, वही रेस्टोरेंट में तो बहुत दिन पहले पकड़कर फ्रिज में रखकर उसे पका कर देते हैं, इधर ऐसा नहीं है, सब कुछ फ्रेश फ्रेश फ्रेश। कहा। वो ठीक है कहकर पैसे दिया। तब कन्ना जाल लेकर पानी में डालकर, 1 किलो हिल्सा फिश चाहिए, मिल जाओ हिल्सा मछली, मिल जाओ मिलकर इधर आकर फ्राई हो जाओ, कहकर गाना गा रहा था। तब सब लोग दिलचस्पी से देखने लगे। पानी में मुन्ना एक हिल्सा को लटकाया। कन्ना उस मछली को पानी में से खींच लिया। बाद में उसे अच्छे से फ्राई करके उस आदमी को दिया। वो देखकर सब लोग हैरान होकर तालियां बजाए। तब एक आदमी, ये क्या अजूबा है, तुमने जो पूछा वो मछली वजन के हिसाब से मिला है, अब मुझे तो 2 किलो शार्क फिश चाहिए भाई, पूछा। तब कन्ना पानी में जाल फेंक कर, आ जाओ 2 किलो शार्क फिश, आ जाओ मिलकर तुम सर के लिए सब्जी बन जाओ, कहकर गाया। वो सुनकर पानी के अंदर मुन्ना 2 किलो का शार्क फिश को जाल में लटकाया। ऐसे कन्ना कई तरीके के मछलियां पकड़कर उनको अच्छे से फ्राई करके देने लगा।
बहुत कम समय में ही वो लाइव फिशिंग कुकिंग का व्यापार बहुत मशहूर बन गया। एक दिन चार आदमी कन्ना के दुकान के पास आए। एक आदमी, बाबू मुझे एक अच्छा सा रोहू मछली चाहिए, वजन कितना भी होने से भी चलेगा, उसको फ्राई करके दे दो, कहा। तब कन्ना पानी में जाल फेंक कर, आ जाओ ओ रोहू मछली, आ जाओ आकर इधर फ्राई हो जाओ, कहकर गाते हुए उस जाल को ऊपर खींचते ही उनको हथकड़ी लटका हुआ था। वो देखकर कन्ना हैरान रह गया। तब एक पुलिस मुन्ना को पकड़कर पानी में से बाहर निकला, आकर उधर उन चार आदमियों में से एक आदमी को सैल्यूट किया। तब कन्ना हैरान रह गया। तब वो आदमी, क्यों रे ऐसा मुंह लटका के क्यों देख रहे हो, हम सब पुलिस वाले हैं, तुम दोनों को पकड़ने के लिए बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, चोर कहीं के, चलिए जेल में, उधर बना सकते हैं ये सब मछली का फ्राई, कहा। ऐसे वे दोनों फिर से जेल में जाकर खाना पकाते हुए जिंदगी गुजारने लगे।